जय जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ का प्रसाद को महाप्रसाद को आज लामी इष्ट ने बोला है जे पहले से जो प्रसाद होने से पहले से जांच करा जाएगा और प्रसाद होने के बाद जांच करा जाएगा, उसको ठीक नहीं रहेगा है क्योंकि जो तिरुपति मंदिर में जो घी का जांच होने के बाद जो बड़ा सारे भारतवर्ष में मंदिर में जो आलोचना चल रहा है, तो इसी महाप्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर में ये जो जांच का व्यवस्था बहुत पहले से है, जितने राजा राजा समय से हमारा रोसोपाई का है, हमारा देवों कौन है और चावल बच्चा कौन है जो जांच करने के लिए, वो प्रथा बहुत दूर से चला रहा है। हमारा जांच करने का कोई यहाँ जब जाए प्रसाद होने के लिए जो सब्जी जो चावल जो घी उसको जांच होना चाहिए कि कोई मिलावट का जो आ गया है तो उसको जांच करिए, लेकिन प्रसाद होने के बाद भगवान के पास जो भोग लगने के बाद वो महाप्रसाद हो जाता है, वो महाप्रसाद को आदमी क्या करेगा जांच, उसको एक युवा इसमें लगता नहीं, ये बहुत निंदनीय कथा है, ये कथा सूट नहीं करता है महाप्रसाद के पास है। हम महाप्रसाद को एक कैवल्य पाते हैं, उसको कैवल्य बोलते हैं, उसको प्रसाद महाप्रसाद को हम बोलते हैं अमृत से और ऊंची है, और महाप्रसाद को जांच करने के लिए मनुष्य का कोई शक्ति नहीं है, वो फूड इंस्पेक्टर और कौन आदमी उनको जांच करेगा, ये वार सोचने में पाप लगता है। जो चीज मंदिर से जाने से पहले जो मंदिर का सब्जियां हो दाल हो या चावल हो या घी हो मसाला हो सब दिन जांच होना चाहिए, और जो जांच का प्रक्रिया हमारा मंदिर में जो पुराने राजा राजा से चल रहा है उसको और कड़ाकड़ी कर दीजिए, और उसको साइंटिफिक में भी मंदिर के अंदर तक उसको जांच कर दीजिए, लेकिन महाप्रसाद बनने के बाद उसको जांच करने का सोचने का वो पाप होता है।